ईरान की इसराइल को कड़ी चेतावनी, गाजा में हमले ना रुकने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई, हमले नहीं रुके तो ईरान भी दखल देगा। इसराइल के खिलाफ यूएन में ईरान ने की है शिकायत, यूएन से गाजा में हमले रुकवाने को कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के नेता से मुलाकात की है। दोहा में मिले ईरान के विदेश मंत्री और हमास नेता, इसराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर के बात हुई है। इसराइल को पहले ही चेतावनी दे चुका है ईरान। देखिए, हमास के नेता से मुलाकात हुई है ईरानी विदेश मंत्री की, और दोहा में दोनों की ये मुलाकात हुई है, और कहा जा रहा है कि ईरान पर्दे के पीछे से तो मदद कर रहा है लेकिन अभी तक फ्रंट पर नहीं आया है। लेकिन जैसा कि खबर हमने आपको दी, ईरान ने यूएन में शिकायत की है इसराइल की, और कहा है कि जब तक ये हमला अगर नहीं रोकता है इसराइल गाजा में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ईरान भी इस जंग में शामिल हो जाए।